नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग डायरेक्ट टू फील्ड। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ अपने खेतों में जहाँ मैंने जुगनी की फार्मिंग की है। ये जो जुगनी है, ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि जुगनी क्या होती है। ये देखिए, जो नीचे ये लगा है, ये जुगनी है, ये जुगनी है, ये सब्जी के काम आती है। और ये देखिए, इस खेत में मैंने पूरे खेत में जुगनी के 2 पैकेट लगाए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है उसका। जुगनी में अच्छी ग्रोथ है। आप देखेंगे इसमें जुगनी इतनी कम क्यों लगी। एक्चुअली इसमें जुगनी कम नहीं लगी है, इसकी जुगनियाँ जो थोड़ी इससे बड़ा साइज़ था वो हमने इससे हार्वेस्ट कर ली है और ये हर तीसरे दिन बाद हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाती है। जैसे ये जुगनी आप देखेंगे आज इतनी है, कल के लिए हार्वेस्ट के लिए रेडी रहेगी। ये देखिए, ये दिखाता हूँ आपको जुगनी का व्यू। ये आज का दिन है और कल के लिए हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी। ये आपको पूरा खेत का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों जुगनी, ये देखिए दोस्तों जुगनी, ये खेत का स्कैनिक व्यू। आपको यहाँ से इस खेत में ले चलता हूँ। ये देखिए, इस एरिया में थोड़ा सा चिकनी मिट्टी होने की वजह से जुगनी ग्रो नहीं कर पाई। ये देखिए, यहाँ भी जुगनी लगी थी बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ ग्रो ना हो पाई। एक दिक्कत ये रहती है सर, चिकनी ज़मीन में जब अगर आप कोई इस तरह की चीज़ें लगाएंगे तो उसमें इस तरह का एक झाड़ जैसा बन जाता है, ये प्रॉपर अच्छे तरीके से पेड़ नहीं बन पाता है लाइक इस तरह का। और इसमें जुगनी भी नहीं लगी। ये देखो दोस्तों खेत का व्यू, इसमें 160 प्लांट जुगनी के लगे हैं। और ये देखिए जुगनी, एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, जुगनी खेत में देखो सेब के पौधे भी है और सेब में अच्छी फसल है। ये दिखाता रहता हूँ मैं आपको, ये जुगनी का फूल पड़ा है। ये देखिए फ्रेश जुगनी, ये देखिए दोस्तों जुगनी के खेत में हमने मिश्री फार्मिंग करके सेब के कुछ पौधे भी लगाए हैं और ये रिजल्ट उनका है। ये देखिए जुगनी, यहाँ पे काफ़ी अच्छा जुगनी ने ग्रो किया है क्योंकि उस साइड और इस साइड की मिट्टी में थोड़ा फ़र्क है। ये मिट्टी इस साइड को थोड़ी दोमट है और वो उधर चिकनी मिट्टी थी। तो आप खुद ये आइडिया लगा सकते हैं कि चिकनी मिट्टी में पौधों की ग्रोथ थोड़ी कम रहती है और दोमट मिट्टी में इस तरह का। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये मक्की की बिजाई की है खेतों में, ये रेड बाटलेट। ये दिखा दूँगा सर आपको, ये देखिए व्यू जुगनी के खेत का। ये देखिए सर, ये दिखा दूँ, ये सुपर वैरायटी है। ये देखेंगे आप इसका कलर, ये देखिए इसमें पूरी एक लेयर सेब की लगी है। अप्रोक्सीमेटली ये 30-35 दाने होंगे, 25-30 दाने तो ऑलमोस्ट है ही है। और ये दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर अपने खेतों का व्यू। ये देखिए, ये सेब है, ये देखिए ये भी सेब है, और ये देखिए ये नाशपाती है। ये ऊपर जो आपको रेड कलर में देख रहे हैं ये रेड बाटलेट है, और ये मोटी डंडी है, और इसके बगल में सेब है, और ये मक्की है। तो दोस्तों कुल मिला के ये हुई ना मिश्रित फार्मिंग, हम इसी के ऊपर जोर दे रहे हैं मिश्रित फार्मिंग। एक खेत पे 2-3 फसलें लो। और ये देखो इसके साथ हमने उपलिस जो ये खेत देख रहे हैं आप, इसमें हमने फ्रांस बीन, ब्रिक बीन होती है, फ्रेंच बीन जिसे कहते हैं, उसकी फार्मिंग कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, ये दिखाता हूँ मैं आपको सेब। तो यदि मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करके इसमें डालता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरा लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। ये दिखाते रहे व्यू, ये सर सारा टॉपर किया है। ये देखिए, थैंक यू।